हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। भक्तों, आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का वर्णन सुनेंगे। जी हाँ, हमने पहले वीडियोस में महात्म का श्रवण किया था, उसके बाद में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया, फिर द्वितीय अध्याय का। आज हम सभी तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे। उसके पूर्व हम सभी भागवत भगवान जी के श्री चरणों में मानसिक रूप से उनका ध्यान मनन करते हुए प्रणाम करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः त्वं नमामि हरिं परम। उसके बाद हम सभी व्यास जी भगवान जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, सुखदेव जी महाराज जी के, फिर सर्वप्रथम परम पूज्य गणेश भगवान जी का भी स्मरण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब हम सभी माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। हम सभी नारद जी का ध्यान करेंगे। नारद मुनि की जय, सप्त ऋषियों की जय, स्वर्णकादिक ऋषियों की जय, सनत कुमारों की जय, माता भक्ति देवी की जय, ज्ञान वैराग्य की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शं व्यास करम वंदे मुनि नारायणं स्वयं यत प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कले गृहा यस्य तुंड्याच्युत श्रुचुतो राजते अमरसात्मकं तं च्युत कथा कुंजे सुकुंजतं सुखं भजे। श्रीधरं श्रीधरं वंदे श्रीधरेकपरायणं यस्येव श्रीप्रसादेनं श्रीधरेयं कृति कृता राधा भक्ति हरि जनार्दनं ताभ्यां यां च समन्विता ताम श्रीं भागवतीं गाथां वंदे युगल रूपणीं। युगल सरकार के श्री चरण में नमन करते हुए उनका मानसिक रूप से ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्वर्ण के सिंहासन पे आसन प्रदान करके प्रभु और माता के श्री चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए अब हम सभी श्रवण स्टार्ट करते हैं। अथ तृतीय अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन। से सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पाप पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निंद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी महाराज भगवान की जय। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघे, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि सुशोभित आभूषण से वह उल्लसित रहता है। तृतीय अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि का में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पाप पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निंद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। एक बार सभी प्रेम से प्रभु ब्रह्मा जी के श्री चरण में प्रणाम करेंगे। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघे, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है।
भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोष है, इसी से सारे अवतार प्रकट होते। बोले नारायण भगवान की जय। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। बोले सनत कुमारों की जय। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकालने के लिए विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। बोले नारद मुनि की जय। और शाश्वत तंत्र का जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मुक्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। बोले नर नारायण भगवान की जय। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवे अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोले भगवान कपिल की जय। और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र को जो समय के फेर से लुप्त हो गया था आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रह्लाद आदि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और अपने पुत्र याम और आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। बोले ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव की जय। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से नवी बार वे राजा प्रथु के रूप में अवतरित हुए। बोले महाराज प्रथु की जय। सोनकादिक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। चाक्षुष मन्वंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में दसवां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मन्वंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। बोले मोहिनी भगवान की जय। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रह्लाद जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। बोले वामन भगवान की जय। भक्त बलि महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें अवतार में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। बोलिए परशुराम भगवान की जय। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतरित हुए। बोले व्यास जी भगवान की जय। उस समय लोगों की समक्ष अवधारणा शक्ति कम देखकर अपने आपने वेद रूप पृथ्वी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन
रावण वध आदि वीरता पूर्ण बहुसी लीलाएं की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। बोले बलराम भैया की जय, दाऊ भैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। बोले बुद्ध भगवान की जय। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलकि रूप में अवतरित होंगे। बोले कलकि महाराज की जय, कलकि भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वर्णकादिक ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही स्वर्णिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठे थे, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्वाधिक गुणों से भगवान में कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और घुसरापन धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और घुसरेपन का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप से ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोद है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रियों और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को भी ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई कामता को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव
बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचानना चाहता। यहाँ भगवान ने बताया है कि जिनको भगवान को मानना नहीं होता ना, वो अलग अलग टाइप की युक्तियाँ, अपना जो कुतर्क होता है उसके द्वारा बहुत सारी युक्तियाँ करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, बोले अरे भगवान तो कुछ होते ही नहीं है, जो है सब कर्म ही होता है, कर्म करो ये होगा, कर्म करो वो होगा, सब कुछ उनको लगता है कि बस वो ही कर रहे हैं, बाकी भगवान को तो कुछ है ही नहीं है। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता, वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा पड़े हैं। उनके स्वरूप को तो अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सोनकादिक ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव व अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इस सलाघनीय कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सोनकादिक ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कर रहे थे, तब मैं भी वहां था, वहीं मैंने उनके कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि से जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्यानो तृतीय अध्याय। अब हम सभी वाणी को यही विश्राम देंगे, उसके पहले भगवान का 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन कर ले भक्तों। श्री कृष्णम शरणम मम, 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 श्री कृष्णम शरणम मम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, श्री लाडली सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, सभी ऋषि मुनियों की जय, संत जनों की जय।